भारत में दिन ब दिन बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। खबर ये है कि भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां पिछले 15 दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर घटी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव केस 3% से भी नीचे हैं। शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े थे। दोनों ही राज्यों में कई शहर भयंकर रूप से कोरोना की चपेट में आ गए थे और अब दोनों ही राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों की दरों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देश के अन्य 5 राज्य जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी मामले तेजी से बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार 1% है। पंजाब और हिमाचल 2 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के बढ़ने की दर 1% है। बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 502 तक पहुंच गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मामलों में राजस्थान की काफी चर्चा की जाती है। यहां पर कोरोना संक्रमण तेजी के साथ ऊपर आया था, लेकिन सरकार और लोगों दोनों ने मिलकर इस पर काबू पाया। राजस्थान में पॉजिटिविटी दर 2% पर आ गई है, जबकि एक वक्त था कि भीलवाड़ा कोरोना का गढ़ बन चुका था, लेकिन अब उसमें भी सुधार हुआ है। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा था। भोपाल और इंदौर में हर रोज रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन अब यहां पर राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने की दर 5% से गिरकर 3% रह गई है। अब बात करते हैं पंजाब की। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद पंजाब सरकार ने सख्ती बरती थी। यहां पर सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया गया था। पिछले दिनों की बात करें तो पंजाब में कोरोना ग्रोथ रेट 1% है। वहीं हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी अभी भी पॉजिटिविटी रेट 5% बना हुआ है। बात करें अगर केरल की, तो शुरुआत में यहां पर मामले बहुत तेजी से बढ़े थे, लेकिन अब यहां मामलों के बढ़ने की रफ्तार में लगाम लगी है। 31 मई से 13 जून तक के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो केरल में 1.69% की दर से पॉजिटिव मामले सामने आए थे। वहीं अगर 19 मई से 1 जून तक की बात करें तो इसके बढ़ने की दर थोड़ा ज्यादा यानी कि 2% रही। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल केस 3,20,922 तक पहुंच गए हैं। इनमें से 1,62,379 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,49,348 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। कोरोना की वजह से पूरे भारत में अब तक 9,195 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।